हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ मैंने मेरा किचन गार्डन जीरो बजट पे बनाया है और यहाँ एक पैसा मैंने खर्च नहीं किया। दोनों टाइम की ताज़ा सब्जी हमें मिल रही हैं। दोस्तों, घर में सब्जी लगाने के दो फायदे होंगे। एक तो आप पर्यावरण बचाने में मदद करिए, दूसरा घर की ताज़ा ऑर्गेनिक सब्जियाँ आपको मिल जाएंगी। तो जब भी आप सब्जियाँ लगाएं तो सबसे पहले हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार करें, तो इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दूसरा, हमें जरूरत पड़ती है बीजों की, तो बीज आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर लोकल सीड स्टोर से खरीद सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से हमारे बीज ग्रो हो जाते हैं। और इसके बाद में अगर हम सब्जियां घर में लगाते हैं तो उसका ये फ़ायदा है, हमें मार्केट जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। और जो बाहर की जो सब्जी आती है वो घर तक आते आते पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। यहाँ देख रहे हो धनिया हमारा कितना अच्छे से लगा, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, और जितनी जरूरत होती है उतना धनिया हम दोनों टाइम यहाँ से ले लेते हैं। इसी तरह से जो सब्जियाँ लगा रखी हैं हम आवश्यकता अनुसार ही उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। दोनों टाइम की ताज़ा सब्जी हम यहाँ से ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा हमारा धनिया लगा हुआ है। इधर हमने सेम की फली लगा रखी है और इनकी भी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी सेम की फलियाँ लगी हुई हैं और काफ़ी मात्रा में लगी हुई हैं। तो इस तरह से अगर हम सब्जी लगाते हैं तो इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ काफ़ी सारी फलियों की हमने हार्वेस्टिंग कर ली और बहुत सारे सेम की फली का हार्वेस्टिंग की वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ। और यहाँ जो किचन के बीजों से हम सब्जियाँ ग्रो करते हैं, तो ये हमने चने मेथी को मिक्स करके यहाँ लगा रखे, हरे प्याज यहाँ लगा हुआ, लहसुन लगा हुआ है। तो काफ़ी सारी सब्जियों को मैंने यहाँ मिक्स करके ग्रो कर सभी सब्जियाँ काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो मेथी हमारी कितनी अच्छी लगी रही। किचन के बीजों से मैंने इनको ग्रो किया है, ये बीज मैंने मार्केट से नहीं खरीदे हैं। और इसके साथ ही हमने इधर पास में चने लगाए हुए, तो चने भी मैंने किचन के ही बीजों से ग्रो कर काफ़ी अच्छे हमारे यहाँ चने भी लगे हुए हैं। तो हमने छोटी सी क्यारी के अंदर सभी हरी सब्जियों को मिक्स करके लगा रखा है और काफ़ी अच्छी हमारी सब्जी लगी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।